मैं उत्तरांचल मित्र मंडल को का अभिनंदन करना चाहता हूं कि पिछले तीन सालों से वो लगातार इस रामलीला का आयोजन करते आए हैं और जहां भी उत्तरांचल के लोग होते हैं वहां पर संस्कार अपने आप उस शहर में आ जाते हैं। संस्कार और संस्कार के साथ में शिक्षण, प्रशासन और इस देश का प्रशासन आज उत्तरांचल के लोगों को श्रेय जाता है इस देश के प्रशासन को चलाने में। पहाड़ी से उतर करके आप पूरे हिंदुस्तान में तो बस गए मगर अपने मुल्क को, अपने गांव को आप लोग नहीं भूले, ये उससे बड़ी बात है। वरना लोग शहर जैसे ही पहुंचते हैं अपने गांव को भूल जाते हैं, अपनी संस्कृति को भूल जाते हैं और उसी संस्कृति को याद रखने की सिलसिलावार चीज में आपने इस रामलीला का आयोजन किया है सालों साल, क्योंकि राम जी, राम लल्ला, सभी धर्म, जात पात, भाषा, प्रांत और सभी पॉलिटिकल पार्टीज को अपार्ट मैं ये कह रहा हूं कि रामलल्ला इस देश की संस्कृति है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम इस देश की संस्कृति है। हर इंसान को उनके चरित्र से, उनके कैरेक्टर से आपके हमारे जीवन में सीखने जैसी लाखों नहीं करोड़ों बातें हैं, करोड़ों। और इस रामलीला में, रामायण में के हर किरदार से, चाहे वो सीता मैया हो, भाई भरत हो, भाई लक्ष्मण हो, माता हो, और मैं तो ये कहूंगा कि रावण क्यों ना हो, उनसे भी सीखने वाली बहुत सारी बातें हैं। हनुमान जी के बारे में तो कहना ही सूरज को रोशनी दिखाने के बराबर है कि वानर जाति के होने के बावजूद एक मनुष्य के लिए, एक राजा के लिए इतना प्रेम, इतना भाव, इतनी ईमानदारी, डिटर्मिनेशन, लॉयल्टी आज तो इस दुनिया में देखने नहीं मिलती। पूरे इस कथा का जो आयोजन यहां पर होता है, रामलीला का आयोजन सबसे ज्यादा प्रचलित कब हुआ कि देश की जब आजादी की लड़ाई चल रही थी उस समय सबसे ज्यादा प्रचलित ये रामलीला हुई, क्योंकि अंग्रेज आजादी की लड़ाई में कोई भी भाग लेता था तो उनपे कार्रवाई करते थे, जेल में ठूस दिया करते थे और आजादी की आवाज को दबाने का प्रयास किया जाता था। तब इस रामलीला के माध्यम से गांव गांव, शहर शहर घूम घूम करके स्वतंत्र सैनिकों ने देश की आजादी की आग को जलाई और इस देश को स्वतंत्र दिलाया। ये एक बहुत ही मुख्य बात है। आज भी उत्तर प्रदेश में, आपके उत्तराखंड में रामलीला के ऊपर बयान करने वाले, पूरी पटकथा सुनाने वाले आप में से कई लोग जानते होंगे, सुना होगा, पढ़ा होगा कि कई मुस्लिम्स, उनको पारितोषिक मिला गया। कई मुस्लिम्स एक्टर्स जो गांव गांव घूम करके आज भी रामलीला की पटकथा करते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि राम जी, राम लल्ला जो है इस देश की संस्कृति है, वो इस देश के हर इंसान के हैं। किसी जाति धर्म से उनको बांट देना उनका कद छोटा कर देने वाली बात है। कि वो सिर्फ हिंदुओं के हैं, वो सिर्फ ब्राह्मणों के हैं, वो सिर्फ ठाकुरों के हैं, वो मुसलमानों के नहीं है, क्रिश्चियनों के नहीं है, दलितों के नहीं है, इस तरह की बातें करके राम जी को का उल्लेख करना अपने आप में उनकी उसको उनको छोटा कर देने वाली जैसी बातें हैं। मैं इसलिए उत्तराचल मित्र मंडल को अभिनंदन देता हूं कि आपने अपने राज्य की संस्कृति को यहां पे चालू रखा है, क्योंकि आजकल हमारे जैसे हमारे जो नौजवान हैं वो धर्म से, संस्कृति से, कल्चर से इतने दूर होते जा रहे हैं, वो फेसबुक, सोशल मीडिया, इसके ऊपर ही उनका ज्यादा ध्यान हो गया है।
इस रामलीला के माध्यम से आपने पूरे समाज को संगठित किया है, पूरे उत्तरांचल के लोगों को संगठित किया है और उस संस्कृति को जिंदा रखने का काम आप लोग कर रहे हैं। इसके लिए आप सभी लोग अभिनंदन के पात्र हैं। धन्यवाद। जय हिंद। जय महाराष्ट्र।